Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Our next topic is type of natural resources. Natural resources के types क्या हैं और वो उनको हम उसी तरीके से क्यों जानते हैं? उनके examples क्या हैं और उनमें differences क्या हैं? Basic इंट्रोडक्शन सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के साथ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के हमने देखी कि दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब उनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में. सबसे पहले रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. क्या है ये रिसोर्सेज? दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड in a short period of time, like air, water, sunlight, forest, etc., are called renewable natural resources. वो resources जिनको हम replenish कर सकते हैं, दोबारा recreate कर सकते हैं, renew कर सकते हैं, short time period के अंदर ही, उनको हम renewable natural resources कहते हैं. जैसे कि air है, air खत्म नहीं होती, वो renew होती रहती है. ठीक है, सनलाइट, जो सन से लाइट आ रही है वो खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, वो अपने आप उसी टाइम में, उसी ड्यूरेशन में अपने आप को रिन्यू करती रहती है एंड हमारे पास एम्पल अमाउंट में अवेलेबल रहती है. फॉरेस्ट को हम कट जरूर करते हैं लेकिन उनको ग्रो करें अगर हम दोबारा, तो वो छोटे पीरियड के अंदर ही, छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही, कुछ ड्यूरेशन के अंदर ही अपने आप को रिन्यू कर सकते. सो ऐसी चीजें जो जल्दी से रिन्यू हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और ये रिसोर्सेज खत्म नहीं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के ऑपोजिट हैं. नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो वो रिसोर्सेज जिनको हम कम टाइम पीरियड के अंदर रिप्लेनिश या रिन्यू नहीं कर सकते, उनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो हैं, इनको रिन्यू होने में, दोबारा क्रिएट होने में अगर हम उनको यूज करते हैं, यूज करने के बाद अगर ये खत्म हो जाती है तो इनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. ठीक है, तो क्योंकि इनको बनने में इतना टाइम लगेगा, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर इनको हमने ओवर यूज किया तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है किसी चीज को बनने के लिए. सो एक तरह से अगर हम इनको ज्यादा यूज करेंगे और ये खत्म हो गए अगर, तो दोबारा इनको रिन्यू करना और दोबारा यूज करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो इनको इसीलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. ह्यूमन एक्टिविटीज produce a lot of waste materials which are thrown away into the environment. जो human activities हैं, human beings जो सब चीजें करते हैं, कुछ activities उनकी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारे waste materials जो हैं वो environment में चले जाते हैं. ये waste materials जो हैं, they cause pollution. जो natural resources हैं, उनको pollute करते हैं, जैसे कि air, water and soil. और उसकी वजह से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो खराब हो जाते हैं एंड उनको यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो अगर कोई चीज हम यूज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वो हमारे लिए एक ऐसी चीज बन गई है जिसे हम यूज नहीं कर सकते, उसको दोबारा फ्रेश तरीके से रिन्यू करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. So non-renewable, the energy sources which once finished cannot be got again or will take a long time to get back. Non-renewable resources क्या हैं? वो resources जो एक बार खत्म हो गए उनको हम दोबारा नहीं ला सकते, या फिर उनको दोबारा लाने में हमें बहुत सारा time लग जाएगा, उनको हम non-renewable कहते हैं. लेकिन renewable क्या होते हैं? वो energy sources जो अनलिमिटेड है या तो, या फिर उनको दोबारा गेन करने में, रिन्यू करने में कुछ कम टाइम लगता है अगर वो फिनिश भी हो जाए. ठीक है,
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या तो अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, जैसे कि सनलाइट है वो अनलिमिटेड अमाउंट में है, एयर है, ये सब चीजें अनलिमिटेड है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनलिमिटेड ना भी हो फिर भी उनको दोबारा से रिन्यू करना हमारे लिए इजी होता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, प्लांट्स, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में पहला डिफरेंस यही है कि नॉन रिन्यूएबल को बनाने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन रिन्यूएबल को दोबारा क्रिएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, डंग केक्स, न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी विच इज मेड फ्रॉम फ्यूजन। फ्यूजन वाली एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन फ्यूजन वाली एनर्जी अनलिमिटेड है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो पेट्रोलियम हमारे पास अवेलेबल है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि एक लिमिटेड सप्लाई में हमें अवेलेबल है। इट विल लास्ट टिल 2020 तक ही चलेगा पेट्रोलियम अवेलेबल जो है हमारे पास। और जो कोल है वो आने वाले 250 ईयर्स तक ही चलेगा। सो इससे हमें ये पता लगता है कि ये लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, सो इनको जुडिशियली यूज करना बहुत जरूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स।